गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के हमारी इस साखी का विषय है कि अगर हम अपने संत सतगुरु से, अपने मुर्शिद से नामदान ले लेते हैं और उसके बाद हम मांस खाना और शराब पीना शुरू कर देते हैं और अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना करना शुरू कर देते हैं, उनके भाणे में नहीं रहते, तो ऐसे जीवों की क्या हालत होती है, क्या दुर्दशा होती है, इसी साखी में आज हम सुनेंगे। सत्संग जी, एक सत्संगी परिवार था जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नाम की बख्शिश हुई थी और उन्हें एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिली हुई थी। लेकिन उस परिवार में जो उस बीवी का पति था, उसने नाम लेने के बाद शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि उसकी संगत शराबियों की हो गई थी। तो जैसे कि फरमाया जाता है कि जैसी हमारी संगत होगी वैसा ही प्रभाव हम पर पड़ेगा। अगर हमने शराबियों की संगत की है तो हम शराब पीने लग जाएंगे, हमें शराब पीने की आदत लग जाती है। अगर हमने चोरी करने वालों की संगत की है तो हमें चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। जैसी हम संगत करते हैं वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वैसा ही कार्य हम करने लग जाते हैं, क्योंकि मन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और प्रभाव ले लेता है। इसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई नाम अभ्यासियों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो, जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, आपको एक अच्छा माहौल दे सके, एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि मन पर पड़ने वाले प्रभाव ही हमारे कर्मों में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि हमें अच्छा देखना चाहिए, अच्छा ही सुनना चाहिए और मन के ऊपर किसी तरह का गलत प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि मन हमारा बहुत ही चंचल है। अगर हमारे मन के ऊपर तरह तरह के प्रभाव पड़े हुए हैं तो उससे हमारी भजन बंदगी में भी मुश्किलें आएंगी। इसलिए कहा जाता है कि हमें संतों की संगत करनी चाहिए, उनकी संगत की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारा मन मालिक की तरफ लग सके, मालिक की भजन बंदगी की तरफ लग सके। तो सात संगत जी, ऐसे ही उस परिवार में जो बीबी थी उनकी भजन बंदगी बहुत थी। वह तो जैसे बताया जाता था वैसे ही मालिक के भाणे में रहकर मालिक की भजन बंदगी करती थी और उन दोनों को इकट्ठे नाम मिला था। लेकिन उनका जो पति था उसने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया, जिससे कि वह परेशान रहने लगी। क्योंकि सत्संग जी, अगर कोई जीव नाम लेने के बाद ऐसी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दे तो उसे इसका दोगुना हिसाब देना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि फरमाया जाता है कि एक तो वह जीव है जिन्हें मालिक की कोई खबर नहीं, मालिक के नाम की कोई खबर नहीं, और वह ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उन्हें तो माफ़ी मिल भी सकती है क्योंकि उन्हें मालिक के नाम की कोई खबर नहीं है और ना ही उन्हें नाम मिला हुआ है। और जिन्हें नाम मिला हुआ है, जिन्हें सब कुछ पता है कि हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा, और अगर वह जीव ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उन्हें दोगुना हिसाब देना पड़ता है और अपने गुरु की मार को भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जो पूर्ण संत सतगुरु होता है उसने हमारी जिम्मेवारी ली होती है, जिससे वह नाम की बख्शिश करते हैं उनकी जिम्मेवारी ले लेते हैं, उन्हें सचखंड पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। और अगर ऐसे जीव गलत कार्यों में लग जाते हैं, मांस और शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें गुरु की मार भी झेलनी पड़ती है और उसका दोगुना हिसाब भी देना पड़ता है, क्योंकि गुरु की जिम्मेवारी होती है
कि वह हमें एक सही मार्गदर्शन देता रहे। संत महात्मा ने तो यहां तक फरमाया है कि अगर शिष्य ऐसे गलत कार्य में लग जाता है, फिर से माया की मीठी नींद में सो जाता है, तो गुरु का हक बनता है कि उसके सिर पर डंडा मारे और उसे उठाए और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोके। क्योंकि जिनकी जिम्मेवारी एक पूर्ण संत सदगुरु लेता है, उसे सही मार्ग पर लाना उसकी जिम्मेवारी है। ये सब देखकर गुरु को भी दुख होता है कि मेरा जीव किस तरफ लग गया, ये क्या करने लग गया। और बहुत सारे सत्संगियों से ये सुनने को मिला है कि जो जीव ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, गुरु उन्हें पहले उनके सपनों में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई सुधर जा, लेकिन अगर जीव फिर भी ना माने तो उसे दंड भी मिलता है। तो ऐसे ही सत्संगत जी, जब भी उस सत्संगी परिवार की बीवी अपने गुरु के पास जाती तो अक्सर उनके पास जाकर अरदास करती कि मेरे पति को बख्श लो, उनकी संभाल करो, वह गलत रास्ते पर चले गए हैं। तो ये बात सुनकर वह अक्सर कह देते कि कोई बात नहीं, मालिक सब देख रहा है। तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसकी यह आदत और बढ़ती गई, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले भी परेशान रहने लगे। इसी बात को लेकर वह भी और परेशान हो गई और चिंता में पड़ गई कि लोग क्या कहेंगे। एक तरफ तो हमने एक पूर्ण संत सतगुरु की शरण ली हुई है और मेरे पति ऐसे कार्य करते हैं, तो वह फिर अपने सतगुरु के पास जाकर उनसे अरदास करने लगे कि उनको एक सही मार्गदर्शन दे, उन्हें इस गलत रास्ते पर जाने से रोके। तो सत्संगत जी, जब भी कोई अभ्यासी जीव अपने गुरु के पास जाकर अरदास करता है, उनके पैरों में पड़कर उनसे विनती करता है, तो गुरु अपने शिष्य की यह हालत नहीं देख पाता। वह तो उन्हें अपने जैसा बनाना चाहता है। तो जब भी बीवी ने उनके चरणों में पड़कर उनसे विनती की, अरदास की, तो उन्होंने उन्हें घर जाने को बोला कि तुम घर जाओ, मालिक सब ठीक कर देगा। और जब वह घर गई और घर जाकर नाम की कमाई करने लगी और वह बीबी पूरी रात भजन सिमरन पर बैठी रही, अगले ही दिन जब सुबह हुई तो उसके पति ने सुबह ही शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। क्योंकि सत्संग जी, यह आदत इतनी बुरी है कि जिसे ऐसी आदत पड़ जाती है वह सुबह सुबह ही ऐसी चीजों का सेवन करना शुरू कर देता है। तो उसने भी ऐसा ही किया और उसके बाद उसका पति किसी कारणवश शहर में चला गया। उसके कुछ देर बाद उसकी पत्नी को उसके पड़ोस वालों ने बताया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वह भागकर हॉस्पिटल पहुंची, वहां जाकर देखा कि उनकी दोनों टांगें टूट गई। यह देखकर वह रोने लग गई और उसने डॉक्टरों को सभी बात बताई। और जब उन्हें होश आया तो डॉक्टरों ने उन्हें सख्ती से कहा कि अब से आप शराब का सेवन नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यह बात सुनकर वह बीबी का पति भी वहीं रोने लग गया, क्योंकि उसे तब समझ आ गई कि ये सब मेरी ये बुरी आदत की वजह से ही हुआ है। मुझे मेरी पत्नी ने कितना समझाने की कोशिश की और सतगुरु ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। और अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं चल भी नहीं सकता। इस हालत का केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरे मालिक ने जो भी किया है मेरे साथ ठीक ही किया है, क्योंकि ऐसे मैंने हटना भी नहीं था, मेरी आदत छूट ही नहीं पानी थी।
अब मेरे मालिक ने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया है ताकि मैं उसके नाम की कमाई कर सकूं, उसकी भजन बंदगी कर सकूं। तो सत्संग जी, ऐसा उस सत्संगी जीव के साथ हुआ। तो सत्संग जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी करनी और उनके हुक्म में रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करते और गलत कार्यों में लग जाते हैं तो हमें बहुत ही भयंकर नतीजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है। और अगर हम ऐसे गलत कार्य करते हैं तो हमें दंड निश्चित मिलेगा। अगर हम उनके समझाने से नहीं समझते, अगर हम उनकी प्यार की भाषा नहीं समझते, तो उन्हें दूसरे तरीके से भी समझाना आता है। मत भूलिए अपने गुरु के हुक्म को। तो हमें उनके हुक्म की पालना करनी है, उनके भाणे में रहना है और उनकी खुशी प्राप्त करनी है। तो सत्संग जी, इस साखी से बस यही प्रेरणा हमें मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुरु के हुक्म को नहीं टालना चाहिए। और अगर नामदान लेकर हम ऐसे बुरे कार्य करना शुरू कर देते हैं तो हमारी हालत भी एक दिन ऐसी हो जाएगी। एक ही हुक्म है, नानक के घर केवल नाम, वहां पे सिर्फ नाम की कमाई पूछी जाएगी, शब्द की कमाई पूछी जाएगी। बाबा जी हमें बार बार वार्निंग देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। बिना शब्द के इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता है, नहीं हुआ जा सकता। और आज की इस साखी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ऐसी ही रूहानियत भरी साखियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। और डेली सत्संग भी इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जाते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।